आज अहम सुनवाई। जी देखिए बिल्कुल, आज बेहद अहम सुनवाई है और बड़ा हुआ जो ओबीसी आरक्षण यानी 14% से जो 27% कर दिया गया था 29 मार्च 2019 पर, इस पर रोक लगी है और लगातार इस मामले पर हाईकोर्ट जो है वो सुनवाई कर रहा है। पहले हमने देखा था किस प्रकार से मेडिकल छात्र की याचिका पर जो सबसे पहले आशिता दुबे द्वारा दायर की गई थी इस मामले में, तब से जो रोक हाईकोर्ट ने लगाई है वो फिलहाल अभी भी जारी है और रास्ता 27% ओबीसी आरक्षण का साफ नहीं हो पाया है। इस मसले पर पिछले सप्ताह हमने देखा था किस प्रकार से ओबीसी पॉलिटिक्स वीक हमने देखी, लगातार सियासी बयानबाजी आती रही, चाहे कमलनाथ हो चाहे अन्य नेता हो, लगातार एक दूसरे पर ओबीसी वर्ग के लिए कहीं ना कहीं ट्वीट्स भी कर रहे थे और बयानबाजी भी दे रहे थे। बहरहाल आज हाईकोर्ट अब इस मसले पर सुनवाई कर रहा है। न्यायविद कहते हैं कि किसी भी लिहाज से 27% ओबीसी आरक्षण लागू नहीं हो सकता, चूंकि इस मामले में कई न्याय दृष्टांत है। सरकार स्पष्ट कह चुकी है कि मध्यप्रदेश में 50% से ज्यादा आबादी ओबीसी वर्ग की और इस लिहाज से वो इस वर्ग को 27% ओबीसी आरक्षण देना चाहती है, लेकिन सरकार का ये मत भी हाल ही का जो मराठा रिजर्वेशन का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का आया है ये इसके खिलाफ है। तो आखिर हाईकोर्ट इन तमाम जो मुद्दे हैं या तमाम जो दलीलें हैं उसके सुनने के बाद आखिर क्या अंतिम पक्ष लेता है, इसके लिए तो इंतजार करना होगा, लेकिन आज बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई जो है ओबीसी के जो बड़े हुए आरक्षण है उसको लेकर के। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक, आप लगातार नजर बनाए रखें इस